कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला. दिस इज पर्वत बिश्नोई. ज्यादा टाइम नहीं ले रही आप लोगों को, एक न्यूज अपडेट देनी थी, उसी के रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो जो है वो बनाने जा रही हूँ. सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह ये हुआ था कि आज सीबीएसई अपना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो देने वाला था. 14 तारीख का उनको टाइम दिया गया था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देने का, बट सीबीएसई ने आज क्राइटेरिया देने से मना कर दिया. उन्होंने 2 दिन का और डिले जो है वो मांग लिया है, यानी कि आज 14 तारीख को नहीं 16 तारीख को सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो आने वाला है. सो सीबीएसई ने बोला कि वो 16 तारीख को अपना क्राइटेरिया जो है वो रिलीज करेगी. कुछ पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं कमेटीज के, उसकी वजह से जो आज क्राइटेरिया रिलीज होना था सीबीएसई के सामने, जो क्राइटेरिया इश्यू होना था वो आज नहीं हुआ, 16 तारीख को होगा. जो 14 तारीख को न्यूज हमें मिलनी थी वो 14 तारीख की बजाय हमें मिलेगी 16 तारीख को. यानी कि पीएससीबी का डिसीजन भी 2 दिन पीछे और चला गया. पीएससीबी जो सीबीएसई के क्राइटेरिया के बेसिस पे फैसला लेने वाली थी वो अब 2 दिन बाद हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फैसला लेगी, क्योंकि सीबीएसई ने 2 दिन बाद का टाइम दिया है, 16th of June का टाइम दिया है. अब मैं आपको बता दूं कि 16th of June के बाद में आगे डिले होने का टाइम सीबीएसई को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 17 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट दे दिया कि आपके पास 17th June तक का टाइम है, आप जो भी आपका क्राइटेरिया है वो सबमिट करवा दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सके और बच्चों की जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या 15th of July से पहले पहले जो रिलीज किया जा सके, ताकि बच्चे आपके हायर स्टडीज में जा सके. सो एक ये बड़ी अपडेट थी, टाइम्स नाउ पे आ रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ. 16 June को जो है वो रिलीज किया जाएगा, तो आप टाइम्स नाउ की क्लिपिंग देख लो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच. News coming in, as far as the CBSE alternative assessment formula is concerned, we're given to understand that that formula that was supposed to be released today is not going to happen. The wait for lakhs of anxious students is going to continue for another 48 hours. Now we're given to understand that the CBSE panel has decided the formula will be released on the 16th. Kangana is with me for more on this. Kangana, what is the reason for this delay? Well, Poonam, there is some personal reason that the members are citing out, that probably a couple of members have lost their family members to COVID, and which is why they've already informed the Supreme Court also that the last date, according to the Supreme Court, to submit this evaluation process by the CBSE was 17th of June. Now the CBSE has come up with an idea that they will be submitting the entire evaluation process and they will be uploading the evaluation process also on their official website on 16th of June. It's a delay of 2 days. So the students, there are 12 lakh students of class 12 who were supposed to sit for the 12th board examination. But after the boards being cancelled, there was an alternative criteria that was pushed